स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा, मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। किसानों के साथ 7 घंटे तक चली चौथे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही है। अब 5 दिसंबर को पांचवें दौर की बातचीत होगी। किसान कृषि कानून वापसी की मांग पर अड़े। सिंधु बॉर्डर पर 9 दिन से किसानों का आंदोलन जारी है। अब आगे की रणनीति पर चर्चा। किसान चिकली, गाजीपुर और जिला बॉर्डर पर भी डटे हैं। उन्हें राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर फरीदाबाद पुलिस अलर्ट हो गई है। सिकरी बॉर्डर पर बड़े बड़े बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। सीमेंट के अवरोधक लगाकर हाईवे को बंद करने की पुलिस की तैयारी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी के किसानों को पलवल केएमपी फ्लाईओवर के नीचे ही रात को रोका गया है। किसानों के जत्थे को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से भारी पुलिस बल भी तैनात किए गए। वाटर कैनन आंसू गैस छोड़ने वाली गाड़ी भी मौके पर मौजूद है। किसानों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग लगाई गई है। ग्रामीणों ने रुके हुए किसानों को मदद भी पहुंचाई। शिरोमणि अकाली दल किसानों के समर्थन में देश के अलग अलग राजनीतिक दलों को साथ जोड़ने में जुटा हुआ है। शिरोमणि अकाली दल नेता टीएमसी, शिवसेना, इनारो, जेजेपी सहित कई राजनीतिक दलों से संपर्क में जुटे। अकाली दल के नेता ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात करेंगे और इससे पहले अकाली दल नेता शरद पवार से भी मिल चुके। सपा, इनेलो, जेजेपी से भी अकाली दल के नेता जल्द मुलाकात करेंगे, जिसके बाद राजनीतिक दल इकट्ठा होकर राष्ट्रपति से दिल्ली में भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में मौजूदा कोविड-19 के हालात पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है और बैठक में कोरोना वैक्सीन वितरण की योजना पर भी चर्चा होगी। करनाल में 11,044 हेल्थ केयर से जुड़े सभी डॉक्टर्स और नर्स को पहले चरण में कोरोना वैक्सीन इंजेक्शन लगेगा। सीएमओ ने बताया कि 464 डॉक्टर वैक्सीन इंजेक्शन लगाने का काम करेंगे और 34 पॉइंट्स वैक्सीन को स्टोर करने के बनाए जाएंगे। सरकारी और प्राइवेट समेत सभी हेल्थ केयर से जुड़े लोगों का डाटा बनाया गया है, जो कि 11,000 के लगभग बना है। सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक वैक्सीन को स्टोर और यूज किया जाएगा। पहले चरण में करीब 2,50,000 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाने की योजना है। दूसरे चरण में जो कर्मचारी और अधिकारी सामने आकर काम करते हैं उन्हें लिया जाएगा। पुलिस, सिविल वर्कर्स, फोर्स के कर्मचारियों की संख्या प्रदेश में करीब 4,50,000। इसके बाद 50 साल की उम्र से ऊपर की आम जनता, जिनकी संख्या प्रदेश में 58 लाख है, और 50 साल की आयु से नीचे जिन्हें कोई बीमारी है उसकी संख्या करीब 2,25,000 है, उन्हें शामिल किया जाएगा। इस काम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने टीम बनाई। अब युवा पीढ़ी भी किसानों के समर्थन में उतर आई है। किसान आंदोलन के समर्थन में करनाल के सेक्टर 6 में रहने वाले सिविल इंजीनियर अपनी शादी में करोड़ों की गाड़ी को छोड़कर ट्रैक्टर पर सवार होकर बारात लेने के बारातियों के साथ रवाना हुए। घर से निकलते समय महिलाओं ने मंगल गीत गाया और किसान एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। लोगों ने दुल्हा दुल्हन के उज्ज्वल भविष्य की कामना की और सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। दूल्हे ने ऐलान किया है कि शादी के बाद वो अपनी दुल्हन को लेकर दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में भी जाएगा। शादी में जो गिफ्ट मिलेंगे वो सभी आंदोलन कर रहे किसानों को डोनेट किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है। आज 33 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें कश्मीर घाटी की 16 और जम्मू क्षेत्र की 17 सीटें भी शामिल। 28 नवंबर से शुरू हुई ये चुनाव प्रक्रिया 19 दिसंबर तक चलेगी। कुल 8 चरणों में वोट डाले जाएंगे, जबकि 22 दिसंबर को मतगणना भी होगी। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में भरतपुर सोनहत क्षेत्र के विधायक गुलाब कमरो के डांस का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। विधायक कमरो छत्तीसगढ़ी गाने में मग्न होकर जमकर ठुमके लगा रहे हैं। विधायक गुटरा गांव में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान वो स्टेज पर डांस करने लगे और समर्थकों ने उन पर नोट भी उड़ाए। जींद में मौसम की पहली धुंध पड़ी है। कोहरे की वजह से आने जाने में लोगों को दिक्कत हुई है। गाड़ियां सड़कों पर रेंगती हुई नजर आई। कैथल में धुंध का कहर देखने को मिला है। हिसार चंडीगढ़ हाईवे पर गांव कटवाड़ के पास खड़े ट्रॉले और प्राइवेट बस में टक्कर हो गई। हादसे में 16 लोग गंभीर रूप से घायल।
जयपुर से चली प्राइवेट बस चंडीगढ़ जा रही थी और कठवाड़ गांव के पास खड़े ट्रॉली से टकरा गई है। फिलहाल ड्राइवर की हालत नाजुक बताई जा रही है। बुरेवी चक्रवात को देखते हुए तिरुवनंतपुरम प्रशासन ने तटीय इलाकों में सुरक्षा की पूरी तैयारी कर ली है। डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिटों को भी तैनात कर दिया गया है। बुरेवी चक्रवात के खतरे को देखते हुए तमिलनाडु कल्याण कुमारी और केरल के तटीय इलाकों में राष्ट्रीय आपदा बचाव दल की 26 सीटों को टीमों को तैयार रखा गया। मौसम विभाग ने तमिलनाडु और दक्षिण केरल में भारी वर्षा होने का अनुमान लगाया है। चक्रवाती तूफान के अलर्ट को देखते हुए दोनों ही राज्यों में प्रशासन ने मछुआरों को भी समुद्र तट पर नहीं जाने की सलाह दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और चक्रवात बुरेवी के मद्देनजर केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया। किसानों के समर्थन में पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश बादल ने लौटाया है पद्म विभूषण सम्मान और राष्ट्रपति को लिखी 3 पन्नों की चिट्ठी। किसानों पर एक्शन की निंदा भी की गई है। सुखदेव ढींढसा ने भी लौटाया है पद्म भूषण। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर शीतकालीन सत्र बुलाने की मांग की है। सत्र में कृषि कानून को लेकर किसानों के प्रदर्शन, कोरोना वैक्सीन और अर्थव्यवस्था को लेकर भी चर्चा कराने की बात कही गई। किसान आंदोलन को लेकर जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि केंद्र सरकार एमएसपी की बात मानने को तैयार है और मुद्दों पर सकारात्मक बातचीत भी चल रही है। रादौर से काफी संख्या में किसानों ने आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली कूच किया है। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार जब तक इन काले कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक उनका आंदोलन भी जारी रहेगा। किसानों ने कहा है कि वो अपने साथ खाद्य सामग्री भी लेकर जा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में किसान रादौर की कंबोज धर्मशाला के बाहर इकट्ठा हुए और रवानगी से पहले सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। सड़क पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती के साथ साथ चौकों को अवरोधक के तौर पर एहतियातन खड़ा करवा दिया गया है। सड़क पर सीमेंट के बड़े बड़े अवरोधक भी जेसीबी से लगाने शुरू कर दिए गए हैं ताकि किसानों को पलवल में ही रोक दिया जाए। किसान आंदोलन को विनयन खात ने समर्थन भी दे दिया है। नरवाना से दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों का एक जत्था दिल्ली के लिए कूच कर चुका है। नरवाना के किसानों को यह भी कहना है कि जब तक किसान विरोधी कानून रद्द नहीं होगा तब तक वापस नहीं लौटे। मलिक खाप की पुरुष और महिलाएं दिल्ली बॉर्डर पर जाकर किसानों का समर्थन करेंगे। गोहाने पंचायत कर खाप के किसानों को समर्थन देने के लिए फैसला लिया। ढोल बाजों के साथ खुर्जा खाप किसान आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए टिकरी बॉर्डर की तरफ रवाना हुए हैं। रोहतक खुर्जा खाप के अंतर्गत 54 गांव आते हैं। खाप नेताओं ने दावा किया है कि सभी गांवों से किसान आंदोलन में भाग लेंगे। खुर्जा खाप किसानों का समर्थन करते हुए सरकार पर किसानों को बहकाने का आरोप भी लगाया है। खाप ने कहा है कि जब तक किसानों के पक्ष में फैसला नहीं आ जाता तब तक अड़े रहें। शौराण खाप ने भी किसानों को अपना समर्थन दे दिया है। खाप प्रधान ब्रजेंद्र बिरला ने कहा है कि खाप की तरफ से किसान आंदोलन को पूर्ण समर्थन है और सैकड़ों किसान दिल्ली के लिए कुछ कर रहे हैं। शौराण खाप प्रधान ने भी कहा है कि जरूरत पड़ी तो गांवों से और भी किसान बुलाए जाएंगे। किसानों के लिए जो केंद्र सरकार ने 3 काले कानून लागू किए गए हैं वो वापस लेने चाहिए। अंबाला सोनीपत पंचकुला नगर निगम में 27 दिसंबर को ईवीएम से मतदान होगा। 11 से 16 के बीच में नामांकन भी होगा। राज्य चुनाव आयुक्त दिलीप सिंह ने भी जानकारी दी। नई मॉडल की ईवीएम से मतदान होगा। कोविड को देखते हुए बिहार चुनाव में जो गाइडलाइन जारी की गई थी चुनाव आयोग ने उसे 100% इस्तेमाल करने का फैसला किया। पहले एक बूथ पर 1500 वोटर वोट डालते थे, अब उसे 1000 किया गया ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। पोलिंग स्टेशन को एक दिन पहले सैनिटाइज किया जाएगा। मास्क अनिवार्य होगा। पोलिंग स्टेशन पर भी मास्क उपलब्ध होंगे। कोई व्यक्ति बीमार पाया जाता है या कोविड पॉजिटिव है उसका रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। 4:30 बजे से 5 बजे तक उन्हें पीपीई किट पहनाकर वोट डालने दिए जाएंगे। वोटिंग टाइम 8 बजे से 5:30 बजे तक होगा। 4:30 बजे से 5:30 बजे तक कोविड पेशेंट या फिर बीमार व्यक्ति पीपीई किट पहनकर वोट डाल सकेंगे।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़े नगर निगम चुनाव के प्रभारी नियुक्त किए। पंचकूला अंबाला सिटी और सोनीपत नगर निगम के अलावा रेवाड़ी नगर परिषद के चुनाव भी होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए गुरुग्राम के मेदांता में भर्ती कराया गया। पानीपत में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारी संगठन एकजुट हुए। सरकार विरोधी नारे लगाते हुए किसानों का समर्थन किया और जिला उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा गया। चरखी दादरी में किसानों के समर्थन में अब कर्मचारी भी उतर पड़े हैं। कर्मचारी संगठन ने साफ तौर पर कहा कि अगर तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता तो 7 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने कहा कि कांग्रेस शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे किसानों के साथ है और किसानों के हित और हकों के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में होने वाले नगर निगम चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं के साथ व्यापक रूप से विचार विमर्श करने के बाद ये निर्णय लिया गया। पलवल जिले के हरियाणा यूपी बॉर्डर पर सैकड़ों किसान मध्य प्रदेश ग्वालियर से दिल्ली के लिए निकल पड़े हैं। इन किसानों को होटल में हरियाणा यूपी बॉर्डर पर रोकने की कोशिश की। वही किसानों का कहना है कि वो दिल्ली पहुंचकर ही रहेंगे और सरकार से अपनी मांगों को मनवाकर ही रहेंगे। पानीपत में भी कर्मचारी संगठन ने किसानों के समर्थन में रोड पर उतरकर नारेबाजी की है और सरकार को नई कृषि बिल रद्द करने की मांग। वहीं कर्मचारी संगठन ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए सरकार को चेतावनी दे डाली है। अगर 5 दिसंबर तक सरकार ने किसानों की मांगे नहीं माने तो विभिन्न कर्मचारी संगठन 5 दिसंबर के बाद दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। पंचकुला में पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी कार्यालय पहुंचे। संगठन की तरफ से पंचकुला नगर निगम चुनाव में प्रभारी बनाए जाने के बाद पहली बार उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। पूर्व मंत्री विपुल गोयल के बड़े भाई विनोद गोयल के निधन के बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनके घर पहुंचकर शोक भी जाहिर किया। पुजरी में हरियाणा के पर्यटन निगम के चेयरमैन और विधायक रणधीर सिंह गोलन ने सीएचसी में लगभग 3,64,00,000 रुपए की लागत से स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बनने वाले रिहायशी भवनों का शिलान्यास भी किया। भिवानी के दुकानदारों में उस समय हड़कंप मच गया जब सीएम फ्लाइंग रोहतक ने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। सीएम फ्लाइंग ने यह छापेमारी गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए। रोहतक से भिवानी पहुंचे सीएम फ्लाइंग की टीम ने सबसे पहले घंटाघर के पास दुकान में छापेमारी शुरू की। यहां से सीएम फ्लाइंग की टीम ने गैस के कई सिलेंडर भी बरामद किए। इसके बाद सीएम फ्लाइंग की टीम दादरी गेट पर पहुंची जहां सीएम फ्लाइंग पहुंचने से पहले यहां के दुकानदारों को छापेमारी की भनक लग गई और दुकानदार अपनी दुकान बंद करके भागने लगे। यहां से भी सीएम फ्लाइंग टीम ने छापेमारी के बाद रेगुलेटर बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस भरने वाली पाइप भी बरामद की। चरखी दादरी सीआई टीम को सफलता मिली है। पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में कालियाना क्रशर जोन में फायरिंग करके इलाके में दहशत फैलाकर फिरौती मांगने वाले गिरोह के सरगना सहित 2 अपराधियों को काबू किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस केस को लेकर पुलिस लगातार दबिश दे रही थी और अपराधियों की धरपकड़ कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मामले में 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। भटिंडा की वृद्धा का फोटो ट्वीट कर 100 रुपए मेहनताने की पोस्ट लिखना कंगना को महंगा पड़ गया है। उनके इसी बयान को लेकर टीकरी बॉर्डर पर धरने पर बैठी महिलाओं ने कंगना के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। किसानों के धरने में शामिल होने पंजाब से आई महिलाओं ने कंगना रनौत को ऑफर भी दिया कि उन्हें 100 रुपए नहीं बल्कि 1,000 रुपए देंगे अगर वो खेतों में आकर काम करें। पलवल से बदरपुर बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने नेशनल हाईवे को अवरोधक लगाकर ब्लॉक कर दिया है। बड़े बड़े ट्रकों को भी सड़क पर खड़ा किया गया है। एसपी ने कहा है कि किसानों को किसी भी सूरत में दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा। उन्हें समझाने की कोशिश की जाएगी। किसान दिल्ली तक ना पहुंचे इसके लिए सड़क को रोका गया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 1 जनवरी 2021 को आधार मानकर मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम जो है वो भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत मतदाता सूची के संबंध में 15 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दी जा सकेंगी। इस अवधि के दौरान कोई भी पात्र व्यक्ति नए वोट बनवाने कटवाने वोट शुद्धि के लिए भी अपना आवेदन मतदान केंद्र पर जमा करवा सकेगा। इसी कड़ी में 12 और 13 दिसंबर को विशेष अभियान भी चलाया जाएगा।
इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी दावे और आपत्तियों के आवेदन लेंगे। दावे और आपत्तियों का निपटारा 5 जनवरी तक किया जाएगा और 15 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। सिरसा में मनरेगा में काम देने की वजह मजदूरों के दिहाड़ी में हेराफेरी करने का मामला भी सामने आया। मामले की जांच की मांग को लेकर गांव फग्गू के मजदूरों ने लघु सचिवालय में धरना दिया। अलाहाबाद उपमंडल के गांव हारी सुरेरा निवासी निताशा राकेश सिंघान को सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हरियाणा सरकार ने पुरस्कृत भी किया। निताशा के इस सम्मान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से दिया गया है। नशे को छोड़ो रिश्ते जोड़ो अभियान के लिए प्रदेश में तृतीय पुरस्कार के लिए चयन भी हुआ। नूह जिले में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत गरीब परिवारों के खाते में 500-500 रुपए की आर्थिक मदद केंद्र सरकार की तरफ से हुई। इस मदद ने गरीब परिवारों के चेहरे पर रौनक लाने का काम किया है। जिले में तकरीबन 3,78,000 जनधन अकाउंट। हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने करनाल में 7.5 किलो अफीम के साथ 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार भी किया। करनाल के अंधेड़ा गांव से कार सवारों के पास से पकड़ गए नशे की खेप की कीमत बाजार में लाखों रुपए की बताई जा रही। करनाल की कटाबाग कॉलोनी में शराब पीकर हुए झगड़े में एक शख्स को छत से फेंक दिया गया है, जिसके बाद शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुजिले में दहेज के लिए विवाहिता के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। मारपीट करने की वजह से महिला बीमार रहने लगी, जिसके बाद उसने नूह के निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। साल 2018 में 19 साल की छात्रा से हुए रेवाड़ी के बहुचर्चित गैंगरेप कांड में पीड़ित परिवार के गांव से पलायन करने की खबरों के बाद महिला आयोग के चेयरपर्सन पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे और परिवार को मदद का आश्वासन दिया। बता दें आपको कि जिले के एक गांव में रहने वाली 19 साल की छात्रा 13 सितंबर 2018 को सुबह कोचिंग के लिए घर से निकली थी कि कनीना बस स्टैंड के पास उसी के गांव में रहने वाले 3 युवकों ने उसको अगवा करके गैंग रेप किया। छात्रा को 26 जनवरी 2016 को राष्ट्रपति ने हरियाणा में टॉप रहने पर सम्मानित भी किया था। अब गांव के लोग परिवार के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। सिरसा में एक युवती का अपहरण करके गैंगरेप करने का मामला भी सामने आया। युवती ने दुष्कर्म की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई। युवती के बयान पर पुलिस ने शुरू की है कार्रवाई। चौहाना में कार चुराने के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार हुए 2 आरोपियों को पुलिस ने रिमांड पर लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी। नूह जिले के टुंडलाका गांव में लंबे अरसे के बाद सरकार ने आईआरबी के जवानों को तैनात कर दिया है। फिलहाल टुंडला गांव के जंगल में पुलिस के जवानों ने 2 तंबू लगा दिए हैं और पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई। जल्द ही टुंडलाका गांव में भी भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात हो जाएंगे। लोगों को उम्मीद है कि पुलिस बल तैनात होने से चोरी डकैती जैसी वारदातों पर भी अंकुश लगेगा, जिससे इलाके में शांति होगी और क्राइम का ग्राफ भी कम हो जाएगा। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 2,39,000 के पार। 24 घंटे में 1,600 से ज्यादा नए मरीज, 32 की हुई मौत। एक्टिव केस 16,000 से ज्यादा। देश में 24 घंटे में 36,546 नए केस मिले। 541 मरीजों की मौत हुई है। 95,71,000 से ज्यादा टोटल केस। 4,14,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा 24 घंटे में सामने आए। 3,734 नए केस, 82 लोगों की हुई है मौत। 29,000 से ज्यादा केस हैं एक्टिव। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 115 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा हुआ 47,472 के पार। अब भी 85,535 केस हैं एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में आए 1,416 नए केस। अब भी 10,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अब तक 11,747 से ज्यादा की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल, एक दिन में मिले 1,920 नए केस। अब तक 5,18,390 से ज्यादा मरीज हुए हैं ठीक। 22,990 केस हैं एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 25,000 से ज्यादा केस एक्टिव। एक दिन में 2,086 नए केस आए हैं सामने। मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,74,000 के पार। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 664 नए केस। मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,70,000 के पास। 6,000 से ज्यादा केस हैं एक्टिव। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 6,55,00,000 के पार। अब तक 15,11,000 से ज्यादा मरीजों ने गवाई जान। पूरी दुनिया में अब
1,86,00,000 के पार कोरोना के केस हैं एक्टिव। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही, कुल मरीजों की संख्या 1,45,00,000 के पार, अब तक 85,61,000 से ज्यादा मरीज हुए हैं ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील, अब तक 1,75,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गवाई जान, कुल मरीजों की संख्या 64,87,000 के पार।